हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एबीसीडी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अक्षर क्या आता है बच्चों? ए आता है। ए फॉर एप्पल। एप्पल मतलब सेव। तो अपना ये ए फॉर एप्पल कहाँ लगेगा? ये ए फॉर एप्पल यहाँ लगेगा। ये हो गया ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्या आता है? बी फॉर बॉल। तो ये बी फॉर बॉल अपने कहाँ पड़ा है? बॉल यहाँ रखा है। तो ये बी फॉर बॉल है, ये कहाँ लगेगा? ये बी फॉर बॉल यहाँ लगेगा। बहुत अच्छे। फिर क्या आता है? सी फॉर कैट। तो सी फॉर कैट, ये कैट कहाँ लगेगी? ये कैट बच्चों, ये कैट यहाँ लगेगी। फिर आता है डी। डी फॉर डॉग। तो डॉग कहाँ है अपने पास? ढूंढते हैं ढूंढते हैं ढूंढते हैं ढूंढे हैं, डॉग हमारा कहाँ है? डॉग हमारा यहाँ है, ये मिल गया, डी फॉर डॉग। तो डी फॉर डॉग हमने कहाँ लगा दिया? यहाँ लगा दिया। बहुत अच्छे। अगला है ई। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। तो हमने हाथी को कहाँ लगाया? एलिफेंट को लगा दिया यहाँ। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी लग गई अपनी। अब अगला है फिश। एफ फॉर फिश। फिश मतलब मछली। तो ये कहाँ लगेगी? ये मछली यहाँ लगेगी। फिश हो गई। फिश के बाद अगला आता है अपना जी। जी फॉर गर्ल। तो जी फॉर गर्ल कहाँ लगेगा बच्चों? ये यहाँ लगेगा। जी फॉर गर्ल हो गया। जी फॉर ए गर्ल। गर्ल के बाद अगला वर्ड क्या आता है बच्चों? एच। तो एच, एच कहाँ लगेगा? एच, एच फॉर हैन। हैन मतलब मुर्गी। तो ये कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। एच हो गया। एच के बाद नेक्स्ट शब्द आता है बच्चों आई। आई फॉर इग्लू। इग्लू एक घर होता है जो कि रहने के लिए उपयोग करते हैं पहाड़ों पे, जहाँ बर्फ ज़्यादा पड़ती है। तो ये हो गया आई। आई फॉर इग्लू। ये आई यहाँ लग गया। आई के बाद आता है बच्चों क्या आता है अपने पास? जे। जे, जे फॉर जग। जग को हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। जग हो गया। जे फॉर जग। जग के बाद आएगा की। और की से क्या अपने पास? काइट। तो काइट कहाँ लगेगा बच्चों? काइट मतलब पतंग। तो ये के फॉर काइट यहाँ लगेगा। काइट। काइट के बाद आता है एल। एल फॉर लायन। लायन कहाँ लगेगा? लायन यहाँ लगेगा। लायन के बाद क्या आता है बच्चों? एल के बाद एम। तो एम क्या है? एम फॉर मैंगो। तो ये मैंगो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। मैंगो के बाद एम फॉर मैंगो के बाद आता है एन फॉर नेस्ट। तो नेस्ट कहाँ लगेगा बच्चों? नेस्ट मतलब घोंसला। तो ये एन फॉर नेस्ट ये लगेगा यहाँ पर। नेस्ट के बाद उसके बाद आता है बच्चों ओ। ओ फॉर आउल। आउल मतलब उल्लू। तो ये ओ फॉर आउल यहाँ लगा। ओ के बाद आता है पी। तो ये अपने पास आ गया पी। पी फॉर पैरट। तो पैरट कहाँ लगेगा बच्चों? पैरट लगेगा यहाँ पे। पी फॉर पैरट। फिर पैरट के बाद आता है क्यू। तो क्यू अपने पास क्यू फॉर क्वीन। तो ये कहाँ लगेगा बच्चों? ये लगेगा यहाँ क्यू। क्यू के बाद क्या आएगा बच्चों? आर। तो आर फॉर रैबिट। तो अपना रैबिट कहाँ लगेगा? वो यहाँ लगेगा रैबिट। रैबिट के बाद क्या आता है बच्चों? एस। आर के बाद एस आता है। तो एस फॉर शिप। शिप मतलब पानी का जहाज। तो ये कहाँ लगेगा? ये यहाँ लगेगा शिप। एस के बाद आता है बच्चों टी। टी फॉर टाइगर। तो ये कहाँ लगेगा? ये टी फॉर टाइगर यहाँ लगेगा। टी के बाद आता है यू। तो U फॉर अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला मतलब छाता। तो ये कहाँ लगेगा? ये यहाँ लगेगा अम्ब्रेला। U, व्यू के बाद आता है बच्चों V। V फॉर वैन।
तो वैन कहाँ लगेगा बच्चों? वैन यहाँ लगेगा, वैन। वैन के बाद आता है बच्चों वी फॉर वैन, वैन के बाद आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू फॉर वॉच, तो वॉच कहाँ लगेगा बच्चों? डब्ल्यू फॉर वॉच यहाँ लगेगा। फिर आता है एक्स, एक्स फॉर जाइलोफोन, तो जाइलोफोन कहाँ लगेगा बच्चों? जाइलोफोन यहाँ लगेगा, एक्स फॉर जाइलोफोन। वाई फॉर याट, याट मतलब एक पानी की छोटी सी नाव घूमने के लिए, तो ये वाई वाई फॉर याट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। और फिर अपना लास्ट में जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा कहाँ लगेगा बच्चों? यहाँ लगेगा। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।